ग्रंथ है, दूसरी ढाल का छंद नंबर 5 है। मिथ्या दृष्टि जीव की अजीव और आश्रव तत्व के संबंध में होने वाली भूल इस प्रकार है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नास मान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। सरल एकदम अपनी भाषा है। सात तत्वों में ये जीव कैसे भूल करता है, जीव की चर्चा पहले चल चुकी, अब अजीब तत्व में कैसे भूल करता है। शरीर के संयोग को तन उपजत अपनी उपज जान। शरीर मूर्तिक है, उद्गल परमाणुओं का पिंड है, शरीर का संयोग हुआ, इसके ज्ञान में ये शरीर झलका, इसे बताया गया तुम बेटा जन्मे हो, इस तारीख को जन्मे हो, यहाँ जन्मे हो, तो ये इस कुल में जन्मे हो, तो वो ज्ञान अपने को कैसा अनुभव करता है, ये मेरा जन्म हुआ, मैं जन्मा यहाँ पर, ये मेरा बर्थडे है, और जब मैं जन्मा हूँ तो तन उपजत अपनी उपज जान। फिर अब मैं बड़ा हो गया, मैं 10 साल का हो गया, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं दुबला हूँ, जितनी भी शरीर की अवस्थाएं हैं, उन शरीर की अवस्थाओं को भी वो निज अनुभव करता है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन की अवस्थाओं को अपनी जान, तन के कर्तृत्व को अपना, मतलब शरीर की जो क्रियाएं हैं, बोलना, चलना, खाना, जितनी भी एक्टिविटीज है, गर्दन हिलना, तो कौन की गर्दन हिली, मेरी। कौन ने हिलाई, मैंने हिलाई। कौन की गर्दन अकड़ गई, कौन की गर्दन में दर्द है, तो ये अजीव तत्व को अजीव नहीं जानता, अजीव तत्व संबंधी भूल। क्या कहा, अजीव तत्व को अजीव नहीं जानता, अजीव को जीव समझता है, अजीत तत्व संबंधी भूल। तन उपजत अपनी उपज जान, तन की अवस्थाओं को अपनी अवस्था जान, और अंत में तन नसत आप को नाश। भैया सब सब चला जाएगा, जब हम मर जाएंगे सब नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तन के नाश से अपनी सत्ता का नाश मानता है। देखो अज्ञान का भी कैसा रोल है। आपने अपने जीवन में कितने जीवों का वियोग देखा है, दादाजी, पड़ोसी, बुआ, ऐसे, मतलब जो भी हो, ऐसे स्पष्ट दिख रहा है कि शरीर ये पड़ा है। बात समझ आ रही है, कुछ शरीर पड़ा है, इसका मतलब शरीर में मरण नाम की चीज नहीं है। बात समझ आई नहीं आई, शरीर तो ये है स्पष्ट, बिल्कुल वैसा के वैसा पूरा। एक सेकंड पहले जीव चला गया तो शरीर तो वैसा के वैसा है, तो शरीर के नाश से अपना नाश कैसा। लेकिन जो अफवाहें फैलती हैं, अफवाहें, अब बात समझते, अरे हाना तो करो,
वो बार 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 झूठ सुनकर वो झूठ भी बिल्कुल ऐसा हो गया। वो जैसे सम्मोहन होता है, सम्मोहन तो ऐसे ही ये ऐसा सम्मोहित है कि जिसने जो बोल दी वो चल रही है। मतलब ज्ञान में सोचने विचारने की गुंजाइश है बिल्कुल नहीं है। आत्मा मरता है कि शरीर मरता है? नानी कौन मरत? आत्मा मरत कि शरीर मरत? देखो हम 5 मिनट से वही बोल रहे हैं, शरीर तो जो पड़ा है पूरा पड़ा है। तुम कह रहे शरीर मरा ना, शरीर तो वैसा का वैसा ये लेटा है। एक बार आत्मा भले ही मर जाए, नहीं आई समझ में? समझ आ रही कि नहीं आ रही? अरे आत्मा चली गई हमें नहीं दिख रही तो कह सकता हमारे दादाजी की आत्मा मर गई, लेकिन शरीर तो पूरा का पूरा है। वो तो तुमने जलाया। क्या कहा? शरीर को तो तुमने जलाया, सुपुर्दे खाक किया, ताबूत में लिटाया, जो कुछ भी किया, जमीन में गाड़ दिया। और पता है मुनि संघ में जंगलों में किसी महाराज का देह परिवर्तन हुआ तो वो क्या करते हैं, उस देह को वहीं के वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कोई मतलब ही नहीं है कि बोली लगेगी बाएं कंधे की 10 लाख की, दाएं कंधे की 15 लाख की। जिंदा में तो भी मजदूर है, 2 रोटी खा के इतना काम कर रहे हैं। पूरी समाज संगठन बड़े बड़े संस्थाएं बन रही हैं। वो तो जिंदा में तो उल्टा काम है। कितना वेतन दे सकते हो तुम किसी को? तुमने एक श्रीफल चढ़ा लो, जब तक सूरज चांद रहेगा बोल दी 2 बार, वे दिन भर काम कर रहे हैं 24 घंटा। और कोई भी समस्या हो आप पहुंच जाओ। लोग पहुंचते ही हैं, साहब संगठन में ऐसा हो गया, ऐसी गड़बड़ कर रहे हैं, तो कहां पहुंचेंगे? सब पहुंचेंगे तो वे तो इतने अच्छे कंसल्टेंट हैं, वकील भी वही हैं, डॉक्टर भी वही हैं, कुछ नहीं। तो वो तो इनने मरे और जिंदा की बात करी थी ना, उसका उत्तर दे रहे थे लाख और सवा लाख। क्या बताना है? शरीर मरता है कि आत्मा मरती है? कुछ नहीं। देखो इसको भी समझने की जरूरत है पूरी। सम्मूढ़ संजीव जन्म लेते हैं? लेते हैं जन्म? अरे हाँ ना तो करो, लेते हैं। अब जन्म लेते हैं से मतलब क्या हुआ कि एक जीव को इस क्षेत्र में जन्मना है। वो ठंड गर्म का वातावरण बनता है, बारिश का वातावरण बनता है, तो वो जैसे ही वातावरण बना वो किसी जीव को वहां जन्मना है। उस क्षेत्र में काला कीड़ा बनना है, छोटा कीड़ा बनना है, मूछ वाला बनना है, वो पंखी बनना है, जैसा। तो वो जीव उस जगह पे आया, वो वातावरण बना, जीव आया, वो वहीं पर जो आर वर्णा है, दूसरी वर्णा है, बस वो वहीं की वहीं। सेकंड तो बहुत बड़ी बात है, यहां तो समयों का काम है पूरा। वो जीव आया कहीं से भी, नरक से आया, कहीं से आया, कहीं से आया, 3 लोक में कहीं से भी, वो इस बिल्कुल वल्व के पास आया। और आया वो जीव, और वहां पर वो परमाणु और 2 शरीर तो साथ में लेके ही आता है। अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, कार्मण शरीर और तेजस शरीर, तो 2 साथ में आए। यहाँ की जो आहार वर्णा थी बस वो एकदम
जितना बड़ा आकार बनना है, जो रंग होना है, जो डिजाइन होना है, जो पंखी बनना है, बिल्कुल अपन समझ लो कि आधा सेकंड ऐसे, मतलब बस वो जीव वहां पर परगनाएं इकट्ठी हुई, ये तैयार जीव। अब उसकी आयु 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, जैसे सपोज करो वो एकदम जन्मा, वो बल्ब से टकराया और नीचे गिरा और आप आए और आपका पैर रखाया, ये स्टेशन पर वो लगे ना, वो नीले नीले डिब्बे देखे लगे ऐसे, वो कीड़ा जन्मा, वो लाइट से अट्रैक्ट हुआ और चट आवाज बोलो। तो क्या कहना है कि ऐसे ही माँ के गर्भ में रजवीर मिला बराबर, और एक वो वातावरण बना, वो वहां पे एक जीव कहीं से आया और उस वो पिंड में आया और बस वो आ गया, जो पिंड है बस उसका आकार हो गया, वो प्रदेश फैल गए उस आकार में, धीरे 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 वो आकार बढ़ता जा रहा है युग के अनुसार, और आत्मा के प्रदेश भी बढ़ते जा रहे। अब उसकी आयु गर्भ में ही 1 सेकंड है, 100 सेकंड है, 1 मिनट है, बच्चे 10 दिन है, 6 महीना है, 8 महीना है, जो भी है, तो अब 9 महीना है, पूरे हुए 9 महीने गर्भ से बाहर निकला बराबर। अब जन्मते सही वो भी मर गया और माँ भी मर गई, ऐसे कितने होते हैं, पूरे नहीं मरे और बढ़ गए, और समझ लो अपन हो गया 30 साल 40 साल, 40 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, वो जीव, वो शरीर पर्याप्ति छह पर्याप्ति पूर्ण हो गए। देखो यहाँ पर जीव एक और पुद्गल परमाणु, हड्डी मांस खून पीप सब पूरी चीजें वो डेवलप, बस ये संयोग है एक। किसका कैसे संयोग है ये, किससे संयोग बना, उस जीव ने पहले अशरीरी आत्मा को नहीं जाना, अविनाशी आत्मा को नहीं जाना, मैं ज्ञायक हूं ऐसा नहीं जाना, मैं अकर्ता हूं ऐसा नहीं जाना, उस अज्ञानता पूर्वक मिथ्यात पूर्वक राजद्वेष के परिणाम, उन अज्ञान मिथ्यात कसाय के फलस्वरूप 8 कर्मों का बंध, और वो 8 कर्मों के बंध के उदय में ये नवीन अवस्था जो वर्तमान में दिख रही है। कितनी आयु, कैसा शरीर, कैसा खान पान, रूखी रोटी खाओ मिर्ची से और मस्त एकदम, और सुबह से शाम तक काजू किशमिश फल बादाम दूध घी खाओ और शरीर सूख के ताकत ही नहीं आ रही। तो ये वर्तमान का इसमें वो सब पूर्वोपार्जित कर्म का उदय, वर्तमान में जो कुछ भी है, तो इस तरह से वो शरीर की ये सारी पर्याप्तियां, मतलब शरीर पर्याप्त, शरीर खुद एक पर्याप्ति है, शरीर आयु इंद्री ये पर्याप्तियां, श्वासोच्छ्वास ये उसका फिर कब तक रहना है, वो सारा कर्म का कॉन्ट्रैक्ट है, और उस पूर्वक वो जीवन यात्रा चल रही है। अब किस निमित्त से इस जीव का संयोग से वियोग हो जाएगा, कैंसर से, डायबिटीज से, हार्ट अटैक से, एक्सीडेंट से, फिसल कर कोई कुछ मार देगा, छत से गिर पड़ेगा, भूकंप आ जाएगा, ट्रेन एक्सीडेंट, कहाँ कितने बजे, वो सब कोई कुछ किसी का कुछ नहीं है उसमें पूरा। तो इस तरह से ये शरीर का मिलना और शरीर का चलना, बीच की अवस्थाएं, और आत्मा का चला जाना, और शरीर जो पुद्गल स्कंद बना था वो वैसा का वैसा ये पड़ा। तो प्रश्न है कौन जन्मा और कौन मरा, बात समझ में आ रही है, कौन जन्मा कौन मरा, कुछ नहीं, वो जैसे वो समूचन जीव के पुद्गल परमाणु इकट्ठे हो गए, ऐसे ये अपना शरीर जिसे कह रहे हैं, काला गोरा कह रहे हैं, मजबूत कह रहे हैं, रोगी कह रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, जैन साहब कह रहे हैं,
स्त्री कह रहे हैं ये सब क्या है, सब ये उद्गल परमाणुओं का संयोग, हड्डी नाक आंख बाल क्या है ये, अलग अलग पुद्गल परमाणु है योग्यता के अनुसार। और जीव और पुद्गल स्कंद, कमल चाचा जी फिर क्या हुआ, अच्छा बोला नहीं है। तो जीव और वो पुद्गल स्कंद, देखो कुछ वो अच्छी चीज बोल रहे थे, चली गई। एकदम ही चली गई पूरी युगता है, आएगी देखेंगे, कुछ अच्छा बिजनेस आएगा। जीव और पुद्गल स्कंद, अब इसमें जो बोलना खाना चलना जीव के भाव, इस सब को मिलाकर बोलते हैं असमान जातीय पर्याय, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नर की पर्याय, चीटी की पर्याय, ये सब एक है कि दो की मिलीजुली सरकार है, दो की। अब दो में भी अनंत पुद्गल परमाणु और एक जीव, तो कितनी हो गए, अनंत अनंत की मिलके, अनंत की मिलके चल रही ऐसा है। गलती क्या है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन की अवस्थाओं को अपनी जान, और शरीर से आत्मा चला जाता है। क्या बात है, 12 महीने बारिश हो रही है, यह रविवार को भी नहीं हो पा रही है, कार्यक्रम के बाद और सन्नाटा हो जाता है, और जहां पंच कल्याणक होते हैं वहां 4 टुकड़े हो जाते हैं, या शिविर लगते हैं वहां 8 हो जाते हैं। अभी 2-3 जगह हो गया है, हम सब जगह के अनुभव हैं, सही बता रहे, कार्यक्रम हुआ फिर सन्नाटा, फिर जब तक थोड़ा जुड़ेगा तब तक फिर कुछ हो जाएगा। दुर्लभ लगता है बहुत, वो बैठने की नहीं है, तो जिनवाड़ी रखने की है, ये टूटा तो भाषण तो कोई जरूरत ही नहीं है उनके अंदर रखने की, कभी सारी बुरी और टूटी चीजें मंदिरों में ही मिलेंगी। क्या करें, पुण्य को देखे मंदिर को और कैसे ही है, लेटरिन बाथरूम की सफाई डेली होगी, या भी 10 दिन में भी नहीं होगी, अब क्या करें, वो देखो स्वाध्याय मंदिर को, उसमें कोई भी कुछ नहीं है। क्या बोल रहे थे, बहुत पैसे से और बहुत व्यवस्थाओं से प्रभाव नहीं होती, सही सोच से काम होते हैं, सोच नहीं है सही। हम पैसा होता तो ऐसा कर देते, तुम पैसा तो बहुत है, बुद्धि नहीं है, बहुत पैसे से काम नहीं होते, बहुत साधनों से भी काम नहीं होते, सच्ची समझ से काम होता है। देखो आप, हम रोज देखते हैं पूजन में और चीजों में, डेली दिखती हैं चीजें, चल रही है। क्या बोल रहे थे, तन उपजत अपनी उपज जान, तन की अवस्थाओं को अपनी जान, फिर तन नसत आपको नाशमान, इसकी व्याख्या चल रही थी कि तन नसत, तन तो ये पूरा का पूरा है, जैसा था माता का पिता का भाई का बहन का पत्नी का पति का, तन तो ये पूरा है, तन का नसा, देखो बोल क्या रहे हैं, तन नसा,
लेकिन तनका नशा। और सुनो, जिसका तन नशा कहा जाता है वो तो तन नसने के पहले ही चला जाता है, नहीं आई समझ में? जैसे आंख बंद थी, लेटे थे, सो रहे थे, और सोते सोते चले गए, तो अब तन ये पड़ा है, अब ये कहां देख रहे हैं तन? तुम तो जिंदा में ही चले गए, नहीं समझ में आई? अरे आएगी नहीं आई? तो तन नसत की क्या बात है, लेकिन है स्थिति क्या कि ये जो संयोग है, ये जो शरीर है, ये जो भोग है, ये सब छूट जाएंगे। ऐसी अज्ञानता, भ्रांति और भय, इसका नाम है तन नसत आपको नासमा। नंबर एक। नंबर दूसरा, अब यहां से मैं कहां चला जाऊंगा? क्या कहा? यहां से मैं कहां चला जाऊंगा, वो तो कुछ है? कुछ पता नहीं है, तो वो अज्ञात का भय ये चलता है, कहां चला जाऊंगा, कौन सा संयोग मिलेगा, अभी कितनी पत्नी कैसी है, मौसम कैसा है, घर कैसा है, लेकिन वो है तो अपना, और उसके बाद तो जी तो अपना रहेगा नहीं, फिर क्या होगा? वो कहानी सुनिए राजा की, कीड़े वाली, अरे हाँ ना तो करो कुछ, साल राजा सुनिए, सुनी कि नहीं सुनी? सुनाओ क्या है, नहीं पता तो चले। एक राजा थे, हाँ, उनने मुनिराज से पूछी कि मर के हम कहाँ जाएंगे, फिर उनने कहा कही कीड़े बन जाओगे, फिर फिर देखो कहा राजा, कहा विष्ठा में कीड़ा बन रहा है वो, और राजकुमारों से बोल दिया ऐसी खोटी पर्याय में हमें मंजूर नहीं है, और मुनिराज के वचन तो अन्यथा होंगे नहीं, उनने जो कहा है वो तो होगा, बिजली गिरेगी 7 दिन बाद, और ऐसा होगा वैसा होगा, तो उनने सब व्यवस्था कर ली, लेकिन वो तो जो होना है सो निश्चित है। बताना क्या है कि वो कीड़े की पर्याय में राजा का जी पहुंचा, तो पहले तो नंबर एक सिद्धि ये हो गई कि मरा नहीं। क्या सिद्धि हो गई? कि सम्यक ज्ञान प्रथमान योग से, कि जीव का जन्म मरण नहीं होता, ये प्रथमान योग से जीव के जीवत्व की, अस्तित्व गुण की सिद्धि। जीव द्रव्य अनंत गुण, तीसरी चीज बोलो ज्ञान स्वभाव, चौथी बोलो पहली चीज अमन भैया के पापा, दूसरी हाँ जीव द्रव्य, दूसरी अनंत गुण, तीसरी असंख्यात प्रदेश, अब चौथी ज्ञान स्वभाव। ये मेरी चार चीजें कब से है, अभी है कि नहीं? जब मर जाएंगे तब साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जब मर जाएंगे तब साथ जाएंगे। देखो एक बात बताएं आपको, सुनना, एक बहुत गंभीर बात बता रहे हैं। हम सब प्रवचन सुनते हैं, सब जगह जाते हैं, कहां पर व्यवहार नय का प्रयोग होता है या कहां पर अज्ञानता का पोषण हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। क्या कहा? हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, मतलब हम कर रहे हैं, हम ही खा रहे हैं, हमारा जीवन ही खराब हो रहा है। अब वो ये व्यवहार न कब बनता है, कब अज्ञानता के खाते में चली जाती है, बात बहुत गजब की बात है।
वो फ्लो चलता रहता है, वक्ता का भी श्रोता का भी, कभी व्याग बोल दिया, कभी अविनाशी बोल दिया, कभी मरने वाला बोल दिया। अब वो पता नहीं है क्या अपेक्षा है, कहाँ क्या बोला गया है, क्या है, और वो सब एक भाव तुल रहा है। और हमारे ज्ञान में कोई निर्णय नाम की चीजें नहीं बैठ रही है। विवक्षा पहले तो स्टंप गणे, व्यवस्था बने चीजें। मेरी कितनी चीजें? चार। वकील साहब, पहली जीव द्रव, दूसरी अनंत गुण, तीसरी संख्यात प्रदेश, और चौथी मेरा काम क्या है, मेरी पर्याय क्या है, बराबर। अब ये जो चार चीज है, अब ये उत्पन्न होती है, नाश होता है, इनमें कुछ मिलता है, इनमें से कुछ छूटता है, कैसे स्वरूप है। अब ये स्वरूप जाने तो तन उपजत अपनी उपज जान, खत्म। तन की अवस्था को अपनी अवस्था जान, खत्म। और जीव इस शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो मरण जान, नहीं जान। ये ज्ञान हुआ, क्या ज्ञान हुआ कि शरीर भी नहीं मरता और जीव भी नहीं मरता, मैं भी नहीं मरता। फिर जन्म मरण कहा तो जाता है, हम तो सब जल चढ़ाते हैं, तो क्यों चढ़ाते हैं जल्दी बोलो, रोज चढ़ाता है प्रत्येक जैन जो पूजा करता है, रोज जल चढ़ाता है, क्यों चढ़ाता है? जल तो इसलिए चढ़ाते हैं कि जन्म जरा मृत्यु विनाश ना आए। ये उसका रहस्य क्या है? जन्म जरा मृत्यु नहीं होती मेरी, लेकिन वो अवस्था है, वो संयोग बनता है, और हम उस अवस्था को ही अपना अनुभव करते हैं। ऐसी पहले अज्ञानता मिटाने के लिए, और शरीर के संयोग का सुख दुख नहीं है, शरीर की अवस्था अनुकूल प्रतिकूल उसका सुख दुख नहीं है, तभी चल जाइए। और शरीर के वियोग का भी सुख दुख नहीं है। क्या कहा? बहुत से लोगों को तो आनंद होता है कि अब जीर्ण तृण से नया मिलेगा तन, और यहाँ पे एक पत्नी है, वहां पे स्वर्ग में, तो उन्हें तो आनंद होता है मौत का भी। क्या कहा? अरे तो टूटे फूटे शरीर है, अब हमें तो ना मिले वो, और भैया हम मरे हम मरे हम मरे। तो ये कह रहे हैं कि संयोग और वियोग से सुख दुख का संबंध नहीं है शरीर के, मतलब शरीर से सुख दुख का कोई संबंध ही नहीं है। सात तत्वों में शरीर कौन सा तत्व है बोलो? अजीव तत्व है। हे के उपाधेय में की पहली शैली में सात तत्व की, अजीव को क्या कहते हैं? नहीं पता, ये तो बता रहे हैं। देखो, मात्र ज्ञान का ज्ञे, शरीर की अवस्थाएं कैसी है ज्ञे। अब ज्ञे मतलब न अनुकूल न प्रतिकूल, न सुख की कारण न दुख की कारण। बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? कैसी गजब बात है। फिर चक्कर क्या है? चक्कर यही है कि अज्ञानता से शरीर रूप अनुभवा गया है, संयोग रूप अनुभवा गया है, और ये शरीर छूटता दिखता है, ये संयोग छूटते दिखते हैं, तो मैंने कमाए, मेरे हैं, ये छूट जाएंगे, उस कल्पना कर कर के ये जीव दुख उत्पन्न होता है कल्पनाओं से। दुख कल्पनाओं से उत्पन्न होता है, और सुख सम्यक निर्णय के पुरुषार्थ से उत्पन्न होता है। क्या कहा? दुख कल्पनाओं से उत्पन्न होता है, और सुख सम्यक तत्व निर्णय से। सम्यक तत्व निर्णय क्या है?
ओ इस संयोग में भी मैं तो असंयोगी तत्व हूँ। एक साथ बोलो, शरीर के बीच में भी मैं तो अशरीरी गायक हूँ। ये सम्यक निर्णय। नदी में नाव की नाव में नदी, बोलो मैं शरीर में हूँ कि शरीर मेरे में है। देखो बहुत बड़ी बात, मुनिराज को भी शरीर होता है, अनंत भगवान को भी शरीर होता है, तो शरीर मुनिराज बनने में और अनंत बनने में अनंत सुखी होने में बाधक नहीं है। क्या कहा? मतलब प्रचुर अतिंद्रिय आनंद में, सम्यक दर्शन की बात तो बहुत छोटी है, प्रचुर अतिंद्रिय आनंद लेने में और अनंत सुख होने में शरीर बाधक नहीं है। और सुनो, वज्र सब नाराज सेनन हो, सुंदर कामदेव सा शरीर हो, स्वस्थ शरीर हो, वो साधक नहीं है। क्या कहा? अरे शरीर स्वस्थ होता तो ऐसा करते, था तुम्हारा इसी भव में था, बहुत अच्छे से था। और सुनो, थोड़ी शरीर में ताकत आती है ना, तो तुम टीवी खोल के बैठ जाओगे, यहाँ वहां की बातें करने बैठ जाओगे, आस पड़ोस में पहुंच जाओगे और 50 कल्पनाएं करोगे। थोड़ा शरीर स्वस्थ होता है तो, बोलो नहीं होता? तो ये झूठी बात है। स्वस्थ होता शरीर तो मैं आत्म कल्याण करता। शरीर के स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है। ये अज्ञान सा मिटाना, ये भ्रांति टूटे स्वरूप समझ के, कोई संबंध नहीं है। चाहे जैसा शरीर परिणमे, परिणमे अरे मिट्टी की काया बीच महकता छिन्मय भिन्नति। मंदिर की दीवार टूट गई, भगवान का क्या हुआ? बोलो, मंदिर के विकृत होने से देवता विकृत होते हैं? अरे बोलो तो, बेदी टूट गई, भगवान का क्या हुआ? बोलो, बेदी टूट गई, अरे सब बेदी टूट गई, भगवान का क्या हुआ? ऐसे ये शरीर टूटा, सड़ा गला, कमजोर हुआ, आत्मा का क्या हुआ? और सुनो, परिणाम रूपी बेदी टूटी तो भी आत्मा का क्या हुआ? तो तुम कौन हो? तुम दीवार हो मंदिर की कि बेदी हो? बोलो, बहुत ध्यान से सुनना ये चर्चा। तुम हो कौन? तुम मंदिर की दीवार हो कि बेदी हो कि भगवान हो? अरे ये शरीर मंदिर की दीवार है और परिणाम मंदिर की बेदी है, और उस अंदर, उसके अंदर शुद्ध चैतन्य तत्व विराजमान है। कलश नंबर बोलो संजय भाई साहब, 12 नंबर कलश है। क्या लिखा है उसमें? नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं शाश्वत। मैं नित्य ही कर्म कलंक कर्दम से कीचड़ से रहित हूँ। कर्म कितने प्रकार के? तीन। कौन कौन से तीन? अच्छे से बोलो, स्थूल से सूक्ष्म। हर समय बोलने में एक क्रम आए। शांत भाई साहब बोलो, वकील साहब जो बराबर बोल रहे हैं, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। पहले नो कर्म शरीर आदि, द्रव्य कर्म ज्ञान वर्ण आदि, मोह राग द्वेष आदि, भाव कर्म। कर्म तीन प्रकार के, तो मैं तीनों कर्मों से रहित इस देह रूपी देवालय में विराजमान शाश्वत देव हूं। कब हूं? ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु, सब कर्मों से न्यारा हूं, सब कर्मों से न्यारा है। ज्ञान देह पावन मेरी, जड़ देह राग के योग्य नहीं। यह तो मलमय मल से उपजी, मल तो सुखदाई कभी नहीं। 12 भावना में लिखा, जितनी 12 भावना पढ़ो सूची भावना है। शरीर का, शरीर से
लक्ष्य छुड़ाने के लिए, इससे इससे ग्लानी कराने की भी एक पद्धति है। क्या कहा? क्या कराते हैं? शरीर से, भोगों से ग्लानी उत्पन्न कराते हैं, जुगुप्सा कसा उत्पन्न कराते हैं। क्या भरा है शरीर में? क्या है शरीर? किससे बना है? ऐसा क्यों कराते हैं? क्योंकि इस ज्ञान को शरीर है सो मैं हूँ, शरीर ही मेरा है, शरीर स्वस्थ रहेगा तो बढ़िया अच्छा रहूंगा मैं, अच्छी साधना होगी, अच्छे दर्शन पूजन पाठ होंगे, जबकि ऐसा कोई संबंध नहीं है, यदि अज्ञानता चलती है। और इसका लक्ष्य करके जो स्वाध्याय है, भेद विज्ञान है, इसको भी छोड़ता है, तो शरीर से जुगुप्सा कसा उत्पन्न करा के, शरीर का लक्ष्य छुड़ाकर आत्मा का लक्ष्य कराते हैं। ये लक्ष्य याद रखना, यदि अकेले शरीर से ग्लानी होके रह गई तो वो कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। भोग बुरे हैं, शरीर बुरा है, क्या करें? समाज और घर परिवार सब स्वार्थ के हैं, कोई किसी की नहीं पड़ी, सब अपना मतलब सत्ता है, तो पत्नी जी, पति जी, बच्चे जी, और मतलब नहीं सत्ता तो तुम जानो जी। ये जो जुगुप्सा है, ये द्वेष है, ये जो उनके बारे में अनिष्ट की बात चल रही है, यदि आत्मा तक नहीं आए तो लिख लेना उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा। करके लिया, कुछ नहीं हुआ। द्रवलिंगी मुनि अवस्थानंद वार कैसे हुई? ऐसे ही वो छोड़ छोड़ के जो उत्साह हो गए, अरे इनमें सुख नहीं, संसार में सुख नहीं, भोगों में सुख नहीं, ज्ञान और वैराग चाहिए हमें। तो ज्ञान वैराग क्या है? कि गेयों का ज्ञान, विषयों का ज्ञान, ग्रंथों का ज्ञान, विषय बदलते जाओ वो ज्ञान हो गया, और दुकान घर गृहस्थी से यहाँ जाओ वैराग हो गया, तो ज्ञान भी हो गया। और जबकि न ये ज्ञान है न वैराग है। मैं ज्ञायक हूँ, अशरीरी हूँ, परिपूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, अकर्ता हूँ, ऐसा अपने को अनुभव करना ये ज्ञान। और सुनो, इस पूर्वक सहजता है, शांति है, निश्चिंता है, पर कि कोई आशा और निराशा नहीं, इसका नाम है वैराग। बात समझ में आई? पर का कोई टेंशन नहीं, पर अपना स्वरूप जान के आनंद ही आनंद है, इसका नाम वैराग है। समझ आ रहा है? वैराग क्या है? पर से कोई संबंध नहीं, पर अपना स्वरूप सदा ही शुद्ध शब्द का अर्थ बताया, एक क्या बताया है? शुद्ध मतलब, शुद्ध मतलब, अब तो बोलो, शुद्ध मतलब बोलो, शुद्ध मतलब दमी चाचा जी इसके में पता नहीं का, हम लोग पढ़ो नहीं है। शुद्ध मतलब सुरक्षित, किससे सुरक्षित? संयोग से, शरीर से, कर्म से, कसाय से, पाप के भाव से। कैसा हूँ मैं? सुरक्षित हूँ। तो सुरक्षित जान के आनंद आएगा कि टेंशन होगा? ये राग राग है। बंद क्या करता है? गजब हो गया। बंद क्या करता है मामा जी? बंद का लक्षण क्या है? अरे बंद का लक्षण क्या है? बंद का लक्षण आकुलता है, और मेरा लक्षण निराकुलता है। नहीं, ज्ञान है, निराकुलता नहीं है। निराकुलता किसका लक्षण है? संबंध निर्णय मोक्ष। हालांकि आकुलता का निषेध करके निराकुलता भी कह देते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा, लक्षण अलग चीज है, स्वभाव अलग चीज है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, स्वभाव कई हो सकते हैं, लेकिन लक्षण तो एक ही होता है, और वो प्रकट होता है, वो वस्तु की प्रसिद्धि करता है। ये बात जब तक नहीं चले, दिल्ली बहुत दूर है, जब तक 272 से ज्यादा सीटें नहीं मिले, दिल्ली बहुत दूर है,
चाहिए वो तो। ज्ञान स्वभाव लक्षण, कौन सा ज्ञान स्वभाव, कैसा ज्ञान स्वभाव, वो ज्ञान स्वभाव पर से भिन्न भी करता है और ज्ञायक को प्रसिद्ध भी करता है, ताकत है वो, धैर्य का दीपक है। क्या कहा? ज्ञान स्वभाव कैसा है? गड़बड़वा जाइए, धैर्य का दीपक है, सुपर प्रकाशक नहीं। सुनो चर्चा अलग है, वो जो ज्ञान है, ज्ञान लक्षण उपयोग लक्षण, द्रव भाव नौकरम में उपयोग लक्षण नहीं है, इसलिए वो मैं। तो ये किससे पता चला? वो ज्ञान लक्षण से। और ये जब लक्षण है तो यहां पर वस्तु है कि नहीं? तो लक्षण से कौन प्रसिद्ध होता है? लक्ष्य, मिठास है मतलब शक्कर है। तो वो ज्ञान लक्षण द्रव भाव नौकरम से भिन्नता का भी साधन है और ज्ञायक की प्रसिद्धि का भी साधन है, इसलिए वो दो तरफा काम करता है दोनों। पर से भिन्नता का हेतु भी बनता है और ज्ञायक की पहचान भी उसी से होती है। और पहचान करता कौन है? शरीर, कर्म, कसाय, पाप, पुण्य, वो तो मैटर ही नहीं है यह चर्चा में। तो तीव्र कसाय की, मंद कसाय की, पाप से धर्म है ही नहीं है, वो विशेष ज्ञान जो वर्तमान में ही जो जो कुछ यहाँ पे सबका स्वरूप जानता है, भेद विज्ञान करता है, वो बात यहाँ चल रही है। वो ज्ञान है, उसको कहते हैं प्रज्ञा छेनी। क्या बोलते हैं? किसे कहते हैं प्रज्ञा छेनी? वर्तमान वर्तते हुए विशेष ज्ञान को, उपयोग लक्षण को नहीं, आत्मा को भी नहीं, ज्ञान गुण को भी नहीं। प्रज्ञा छेनी कौन है? वर्तमान वर्ती हुई पर्याय, वो पर्याय निर्णय करती है, ये मैं नहीं, मैं ये हूँ, सहज बढ़ता हुआ। वो ज्ञान निर्णय करता है कि मैं मतिश्रुत ज्ञान वाला भी नहीं, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं जानने वाला भी नहीं, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं भेद रूप भी नहीं, मैं तो अभेद हूँ। इस ज्ञान को कहते हैं प्रज्ञा छेनी, अर्थात भेद विज्ञान। वो ज्ञान की पर्याय जो अपने को भगवान देखती है, उस ज्ञान की पर्याय को कहते हैं भगवती प्रज्ञा, भगवान देखने वाला ज्ञान। ये ग्रंथ पे मोबाइल रखा ना, इसको हटा लेना, कौन का है? कभी भी जिनवाणी पे कोई भी चीज, क्योंकि अपन जमीन पे रख लेते हैं, बिस्तर में भी रखते हैं, नहीं रखते कहीं पे भी, अभी चटाई पे रख लेंगे, कभी भी जिनवाणी ऐसे ऊपर, क्योंकि ये चीज है अपनी, बहुत सावधानी। क्या बोल रहे थे? प्रज्ञा छेनी। अब प्रज्ञा छेनी क्या है? कि जो वस्तु जैसी है उसे वैसा जाना जाए, उसमें फिर मैं वस्तु कैसी हूं। तो यहां बात चल रही है तन उपजा, अर्थात जहां जीव है वहीं पर पुद्गल परमाणु मिले, स्कंद बन गया, एक चीज बनी, वो बालक गर्भ से बाहर निकला, तो वो अपने को कैसा अनुभव कर रहा है? शरीर है सो मैं हूं, मैं 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, मम्मी बर्थडे बनाओ, मोमबत्ती लाओ, केक बनाओ, ऐसा है। देखो ये तो सीखने और सिखाने की बात है, लेकिन माँ के गर्भ में भी जब वो जीव आता है, वहां जो पिंड अवस्था होती है, तो सहज रूप में ही वो ज्ञान उस शरीर रूप अपने को अनुभवता है, ये अगृहित मिथ्यात्। क्या कहा? बहरा है, प्राप्त पर्याय में तन्मय। जैसे छुई मुई को, पौधे को छू आप तो क्या होता है? देखो वो उसे बर्दाश्त नहीं है, कोई दूसरी हलचल, ऐसा है वो छुई मुई का पौधा।
आपको पता है जितने भी भरत और ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकर होते हैं वो सब पंच कल्याणक वाले होते हैं। क्या कहा? अरे पता कि नहीं पता, विदेश क्षेत्र में ऐसा नहीं है, बराबर। तो भरत और ऐरावत क्षेत्र में जितने तीर्थंकर जन्मते हैं इसका मतलब वो पहले से ही छाये सम्यक दृष्टि होते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, अनंतानुबंधी का अभाव होता है। क्या कहा? कुछ विशेष बात बताना है। वकील साहब सुन्नत जैन धर्म कैसा है? क्या अलौकिक भेद विज्ञान की ताकत है सम्यक दर्शन की? तो वो जीव माँ के गर्भ में आए, जैसे सर्वार्थ सिद्धि से आदिनाथ भगवान आए, जैसे अलग अलग आए सब जीव आए, और माँ के जब गर्भ में आए तो ऐसा नियम कहा जाता है करणानी के अनुसार कि 6 महीने में एक बार आत्मानुभूति जरूरी है। क्या कहा? उपयोग भार रहे भले ही 6 महीने, लेकिन 6 महीने के अंदर एक बार उपयोग अंदर होगा, स्वलक्ष होगा, अतिंद्रिय आनंद आएगा। वैसे उपयोग भार रहे, अतिंद्रिय आनंद नहीं आए, एक कसा के अभाव की वितरकता बनी रहे, ज्ञान धारा बहती रहे, प्रतीति बनी रहे, लेकिन 6 महीने के अंदर एक बार निर्विकल्प आत्मानुभूति कंपलसरी है, ये बात बताना है। तो इसमें 2 पॉइंट है। एक तो जो माँ के गर्भ में बच्चा आया है, वो जीव आया है, बच्चा मतलब वो जीव आया, आदिनाथ भगवान का जीव आया, और वो 1 दिन का हुआ, 4 दिन का हुआ, तो बोलो वहां पर भी उस जीव के ज्ञान में मैं अशरीरी ज्ञायक हूँ ऐसा ज्ञान है, या मैं शरीर वाला हूँ ऐसा ज्ञान है? श्रद्धा में क्या है और चारित्र भी कैसा चल रहा है? वितरकता, एक कसा चौकड़ी के अभाव वाली, अभाव अनुबंधी का छाये सम्यक दृष्टि। दूसरा, उपयोग का जो बहिर्लक्षीपना है, विशेष जो ज्ञान में भले ही वो सम्यक ज्ञान है, उस पूर्वक 3 कसा चौकड़ी का उदय है तो उतना भी दुख और वेदन तो वो होता है, बराबर। अब एक तो ये कंडीशन है कि वहां पर भी ज्ञान सम्यक ज्ञान है, तन के उपजने से अपनी उपज नहीं है। अब वो भावे को ऐसा विवेक विचार विशेष नहीं है, लेकिन सहज में ही वो धारा चल रही है। जैसे आप यहाँ बैठे हो, मैं मनुष्य हूँ, मैं जैन हूँ, मैं पंचेंद्री हूँ, कोई विकल्प है? मैं जैन साहब हूँ, मैं मोक्ष हूँ, कुछ नहीं। लेकिन ये जो चीजें वो ज्ञान में, श्रद्धा में, और हमारा घर परिवार ये वो कुटुंब जो जो कुछ बैंक बैलेंस, उस पूर्वक जो निश्चिंता, और अभी तो हम जिएंगे, हम नहीं मरेंगे, भले ही बे मर गए, तो इसके बल पे क्या है ज्ञान में इतनी निश्चिंता? तो अभी सामान्य रूप से यह ज्ञान दशा में भी चल रही है, ऐसा वहां चलता है। अब दूसरी खास बात जो यहां बताना है कि 6 महीने के अंदर अंदर आत्मानुभूति जरूरी है, तो अब उस जीव का ज्ञान क्या स्थिति बनेगी माँ के गर्भ में? हालांकि तीर्थंकरों के साथ एक विशेषता होती है कि गर्भ की शुद्धि होती है पहले, और मल मूत्र नहीं के बीच में नहीं रहते वो, बाहर से गंदगी नहीं, मतलब उस उनके वहां पर, और अंदर में भी शुद्धात्मा की प्रतीति तो चली रही है, और 6 महीने के अंदर सहज रूप में ही वो ज्ञान मैं ज्ञायक हूँ ऐसा वेदन करता है, लक्ष्य करता है, और निर्विकल्प अतिंद्रिय विशेष आनंद की बरसात होती है। किस अवस्था में? बोलो आप, कितनी गजब की बात है। इससे चीज की और सिद्धि हो रही है कि अवस्था कोई भी हो, आत्मा की पर्याय उस अवस्था की पराधीन नहीं है, पराधीनता वाली बात नहीं है। बोलो कैसा गजब का शासन है, कैसा वस्तु स्वरूप है। तो वो माँ के गर्भ में भी अपने को बालक क्या अनुभव करता है? बोलो गर्भ में बालक। अब सुंदर ध्यान से इधर देखो सब, गर्भ का बालक तो हम कह रहे हैं, है तो कौन वो? वही 4 चीज जोड़ो, विशेष रूप में भी देखें तो 4 चीज, पूरी ताकत, शक्तियां, प्रदेश,
ज्ञान से वो तो पूरा का पूरा वैसा है, और उसे जीव की पहले जो स्वरूप की आराधना है, अब ये अब नोट करने की बात है, उस जीव की जो स्वरूप की आराधना है तो उसकी विशेष पर्याय में भी ऐसी योग्यता और ताकत है कि उस अवस्था में भी मैं शरीर हूँ ऐसी अज्ञानता उत्पन्न नहीं होती, मिथ्या दर्शन नहीं होता और अनंतानुबंधी का उदय नहीं आता, मिथ्या चायक नहीं होता। सुनो भैया, उनका पूर्व पुरुषार्थ है, पहले का है, पहले का है, सुनो तुम अब करो तो तुम्हें आगे होगा। क्या कहा? दोबारा क्या कहा? जैसे उनका वो पहले का है ना, शेर का, आदिनाथ जी का, जो कुछ भी है, तो तुम क्या करो? तो अभी ऐसी भेद विज्ञान की धारा बहाओ। तने उपजत अपनी उपज ना जान, जोड़ो ये, हर चीज उल्टी करके पढ़ो। क्या कहा? तन उपजत अपनी उपज नहीं, तन का व्यापार मेरा व्यापार नहीं। अब लगा उसमें बीज की अवस्था लगाना पड़ेगी ना सारी, एक तरफ तो जन्म लिया, एक तरफ मरण लिया, बीच में कुछ है कि नहीं? अब बीज की अवस्था लगाओ सब, बीमारी हो रही है, ये आंखें कमजोर हो रही हैं, ये बैठ नहीं पा रहे हैं, ये हड्डी कमजोर हो रही है, कौन की अवस्था? कौन की अवस्था है? कौन की अवस्था है बोलो भैया? कैसा चेहरा हो गया, दुबले हो गए, बाल ऐसे हो गए, झुर्रियां पड़ गई और सूख के कांटा रह गए, जो क्या हालत बना रखी है, कौन की अवस्था है? ज्ञान तो करो। तो तन की अवस्था अपनी न जान, और अंत में जब जन्म नहीं हुआ ये अवस्थाएं रूप में नहीं होता तो मरण की बात खत्म हो गई। जन्म जरा मृत्यु विनाश नाए, सुनो भेद विज्ञान प्रगटा, तो जन्म जरा मृत्यु का क्या हुआ? क्या हुआ? ये मेरा स्वरूप नहीं है, वेद विज्ञान हो गया, भ्रांति मिटी। और इसका जन्म अवस्थाएं और मरण, अब मरण तो वास्तव में ये हो ही गया, ये तो खत्म, बात ही खत्म, मैं चला जाऊंगा निज लोक, हमारा भाषा निज लोक मतलब जिस अवस्था में जाऊंगा नई पर्याय संयोग में हो जाएगा, और ये क्या होगा? सुनो सब, सब लोग पिछले भव के लिए वो जो माता पिता छूट गए, संपत्ति छूट गई, कमाई थी, दादाजी आप पिछले भव में कितनी छोड़ के आए थे? दर्शन पूजन पाठ प्रतुपात जो जो भी है कितनी छोड़ के आए? अब रो, अब सुनो, फिर एक ही काय करो रवि चाचा जी, उसने पिछले भव में और ज्यादा छोड़ के आए, बहुत सुंदर पत्नी थी, अच्छा घर था, अच्छी बहू थी, चार छह थी, इस बार तो एक ही मिली, मतलब बहुत ऐसी, ये भी छूट गई थी, मैं छूट गई थी, क्या कहना है बोलो? कैसा स्वरूप है बताओ आप? अरे जिया आंख खोलकर विचार, क्या स्वरूप है? तन उपजत अपनी उपज नहीं, तन की अवस्थाएं अपनी अवस्थाएं नहीं। देखो बहुत बहुत ज्यादा ताकत चाहिए ज्ञान में, बहुत ताकत चाहिए। कैसे चाहिए? ये दर्शन पूजन पाठ व्रत उपवास स्वाध्याय सुनना, ऐसे माला फेरना, किसकी अवस्था है? शुद्ध भोजन करना, मौन पूर्वक करना, किसकी अवस्था है? आलू गाजर मूली प्याज नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, दिन में सब खाना देख के खाना, शुद्ध आटा बेसन मर्यादा मर्यादा सब करके ऐसे खाना, कौन की अवस्था है? कौन कर रहा है? कौन को इससे फायदा है बोलो? और सुनो, अब ये दुकान घर गृहस्थी पाप पुण्य राग रंग इनमें परिणमन हो रहा है, उठना बैठना ये वो,
बोलना चालना जो कुछ भी हो रहा है, लड़ाई झगड़े गुस्सा आ गया, चेहरा बिगड़ गया, कौन की अवस्था है? मतलब ये कहना है कि पाप रूप क्रियाएं और पुण्य रूप क्रियाएं ये पुद्गल के खाते में डालकर और ज्ञान इनसे निरपेक्ष हो तो समझना तुमने ये छंद लाइन पढ़ी। संजय भाई साहब आप बाहर निकलो अभी, वो कोई प्रसंग बन जाए, कोई आपसे छोटा हो और आपका ऐसा हो कि वो आपसे बोल नहीं सकता और आप निकले बाहर, उसने कोई गलती कर दी आपके सामने और चार आपने पकड़ के दिए और बहुत उसको अपशब्द बोले और प्रवचन सुन के गए थे यहाँ से बड़ी अच्छा भेद विज्ञान का। सच्ची बताना 10 मिनट बाद जब वातावरण शांत हो जाएगा और आप फिर बैठे हो गए लेटे हो गए और 2-4 दिन तक तो आपको क्या चलेगा? और लोग कह रहे हैं ये काय के मुख छुए और कैसे प्रवचन में बैठते हैं और क्या प्रवचन सुनना इनका है और सब ऐसा बोल रहे हैं और सबसे पहले तो वे बोल रही हैं। घर के सबसे आला बोलेंगे काय को जा रहे प्रवचन सुनने इतने दिन से, तो इतना भी कंट्रोल नहीं है तो बोलो घर घर की आवाजें हैं। अब क्या कहना है इसमें, एक इसमें क्या कहना है कॉमा लगा के कि ये चीज है अपने को रिप्लाई नहीं देना है, बोलना नहीं है, ये निर्णय में लेना है कि ये जितनी भी क्रियाएं हैं जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है, इतना गहरा अर्थ इसका है। और सुनो 2-4 मिनट और, इस शरीर को तन कहते हैं बराबर, शरीर कह रहे ना शरीर शरीर, तो ये शरीर है और ये शरीर जिस कर्म के उदय में मिला है तो वो कर्म का उदय भी शरीर है और जिन परिणामों से वो कर्म बने वो भी शरीर है। तो तन मतलब 3 शरीर और 3 शरीर से रहित मैं कैसा हूँ? अशरीरी। इतना ज्ञान चाहिए, रागादि मोहादि पाप पुण्य के भाव वो एक तरफ, 8 कर्म एक तरफ और शरीर की सारी चीजें एक तरफ, और मैं अकेला कौन बचा फिर यहाँ पे? अभी ये अशरीर ही आए, समझ में आ रहा है कुछ? इतना पूरा तीक्ष्ण प्रज्ञा छेनी, बारंबार एक ही जगह गड्ढा, इसी जगह पे इसी छंद पे इसी लाइन पे कैसे स्वरूप है मेरा, अशरीर ही हूं मैं। सुनो इधर देखो, 3 चीज बोल रहे हैं बस अंतिम, ये याद रखना इसके भेद विज्ञान के लिए, तीनों के भेद विज्ञान के लिए, रिपीट करते जाना पक्का होगा। शरीर तो 10 साल 20 साल 40 साल टिक रहा है लेकिन अवस्थाएं बदल रही हैं शरीर में, तो निर्णय हो रहा है ये पुद्गल है मूर्ति के भिन्न है बराबर, हाना तो करो बराबर, एक निर्णय हुआ आगम से भी युक्ति से भी। दूसरा 8 कर्म है ना, जो 8 कर्म कारवण शरीर उसमें तो प्रति समय अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे और जा रहे, हालांकि इसमें भी ऐसा हो रहा है लेकिन फिर भी ये ऐसा है तो उसमें भी वो प्रति समय उदय बदल रहे हैं तो उसमें भी फ्लक्चुएशन है सारा बराबर, तो एक उसकी भी एक स्थिति ऐसी है। और तीसरा मोह राग देश, ये तो एक एक समय के परिणाम है, उत्पन्न हो रहे और मर रहे हैं। प्रश्न ये है कि तीनों में ऐसी स्थितियां हैं, एक तो फिर भी 40 साल दिख रहा है लेकिन विकल्प तो उत्पन्न हुए और नष्ट हुए, तो इनसे क्या इनसे संबंध समझे अपना बराबर। तो आज निर्णय हुआ कि शरीर कर्म कसाय तीनों भिन्न है, उनका स्वरूप जन्मना और मरना है पलटना है और मेरा स्वरूप तो पहली गाथा समय सार जी की 3 बोल, बोलो कैसा हूँ मैं? ध्रुव अचल, कौन है ऐसा? द्रव से गुण से और पर्याय से और प्रदेशों से, चारों से मैं ध्रुव हूँ अचल हूँ और अनुपम हूँ। इस तरह से ज्ञान अपने को जानता है और तन उपजत वाली अज्ञानता भ्रांति और टेंशन समाप्त, ये अजीब तत्व संबंधी भूल मिट गई। कौन संबंधी भूल मिटी? सुनो भेद विज्ञान में तो मोह राग द्वेष को भी अजीब तत्व में ही डाला है,
आठ क्रम को भी। तो जीव और अजीव का भेद विज्ञान हुआ तो कितने काम हो गए, कितने हो गए, सारे हो गए। इतनी ताकत से वो ज्ञान एकदम निर्णय करके मैं ये हूं। अब अपन सुनते स्वरूप को जानो, स्वरूप को जानो, तो ये स्वरूप को जानना है। जीव द्रव हूं, अनंत गुण वाला हूं, असंख्यात है, प्रदेशी हूं और ज्ञान मेरा स्वभाव है। सूरज का दृष्टांत याद रखो, द्रव गुण और पर्याय और उसकी प्रदेश, उसका क्षेत्रफल। जैसे सूरज में ऐसा ही मैं भी ऐसा ही हूं। इस तरह से इस पंक्ति का पूरा आगम और अध्यात्म परक अर्थ निर्णय में आए और सहजता हो, ये फल प्रगटे, तब समझना कि ये पंक्ति हमने पढ़ी। ठीक है, मिक्स तो अज्ञानता में हो गई होगा, वो तो क्या करें, स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा।